यह वीडियो सिर्फ हंसाने के लिए बनी है। इसे देखकर सिर्फ हंसिए। अगर कुछ भी देखकर आपको बुरा लगता है तो फेंक के चप्पल मारिए लाइक बटन पर, और अगर और गुस्सा आता है तो घुसा मारिए सब्सक्राइब बटन पर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अकल तेरी कहाँ चरण गई है? मैडम नमस्ते नहीं करते होते, बट्टे सिखाया नहीं तो इधर रिजल्ट। रहन दो मैडम जी, रहन दो। मैंने पता तुसे की कहना चाहते हो। मैं भी इस तो इन्ना ही परेशान हाँ जिन्ना तुसे इस तो परेशान हो। इन्ना सारे गली वाले बच्चे नूं इन्ना परेशान करके रख दे की दसा। सारे गली वाले बच्चे इस तो दुखी हो गए ने। ते ना ऐसा कोई गली वाला बंदा नहीं है जिन्हें इहदी कंप्लेंट ना कीती होवे। मैं ना खुद केहदी कंप्लेंट किहनूं करा जाके। इहदा किसे तों सुधरदा ही नहीं हैगा। इहनूं ना इहदी दादी ने ना सिर चढ़ाया पिया बस, होर कुछ नहीं। मैनूं पता तुसीं बहुत परेशान हो। मैं ना खुद बहुत परेशान हाँ इस तो। इहदा रिजल्ट आपका लड़का हो गया ना फिर मेरा। अरे मम्मी पास है। मम्मी मम्मी पास पास हो गया। तू पास हो गया। हाय शुक्र है मेरे रब दा, शुक्र है मेरे वाहेगुरु। मैं क्या सीगा तेनों, मैं कड़ा प्रसाद चढ़ावांगी मेरे वाहेगुरु। धन्यवाद तेरा बहुत बहुत। मेरा मुंडे नक् नहीं कटाई मेरी, शुक्र। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है ना जी थानू अपने बेटे पे? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस तो मैंने पूरा हैगा जी अपने मुंडे पे, कि हमेशा पुठे काम ही करूँगा। सीधे काम तो इन्हू आते ही नहीं करने। हैरान तो पहले मैं भी हुई थी कि ये कैसे पास हो गया लफंडर सा। ये किवें, वैसे ये पास किवें हो गया? स्कूल वालों की तरफ से ना इसे गेम्स खिलाने लेके जाते हैं ना स्कूल की तरफ से। अच्छा, तो बस ओदी वजह ना ये पास हो गया। स्कूल वालों ने एहसान ही कर दिया। चलो इसके सर्टिफिकेट ना रिसेप्शन पे पए ने, वहां से उठा लेना। मैनू तो पता सी जी मेरा मुंडा पुठे सीधे काम जिन्ने मर्जी करे लेकिन ना सब दा नाम रोशन करेगा एक दिन। मैनू पता है खेडा दे विच ही जाऊगा। इन्हें पढ़ाई करनी ही नहीं जी। मैं तो इसके बाप को भी यही समझानी हाँ कि इन्हें ना खेलना दे विच जाना। मेरा मुंडा नाम रोशन करूंगा। मेरा मुंडा सब तो वधिया, सब तो वधिया। मैनू सब पता सी इहदे बारे। मैनू पूरा कॉन्फिडेंस सी इहदे विच। बहुत कॉन्फिडेंस है पुत्र। वेरी गुड, वेरी गुड है, वेरी गुड। थैंक यू जी। मेरा मुंडा तो बहुत ही अलग है, बहुत अलग है मेरा मुंडा। चल तेनू गुरुद्वारे लेके जानी हाँ। चल लंगर खावांगे उत्थे। चल चले चल। वाहेगुरु जी का शुक्र है। चलो चल। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। तू फेल हो गया ना तेरे थप्पड़ बहुत पैणगे। पढ़ मम्मी मैं पढ़ता रहा हूं। तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, तेरा रिजल्ट एकदम बढ़िया आना। तूने पढ़ाई, अरे अंश कितने सही टाइम पे आया है। अरे सत श्री अकाल, कैसे हो बहन जी? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया जी बढ़िया। और कैसे चल रही है बच्चों की पढ़ाई? अब तो रिजल्ट ही दसूंगा जी। बस टेंशन टेंशन टेंशन, इनको थोड़ी टेंशन होती है। ये तो है। और आप नहीं आए, देख लो जी आप आना पहले कीर्ति को लेके हमारे घर, फिर हम भी आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं? अच्छा पढ़ रहे हैं यार। अंश अपनी मम्मी को ना पीछे ले जा, नहीं तो ये हमारे पोले खोल देंगी। यार मैं से कैसे करूँ? बहन जी सूट बहुत अच्छा डाल रखा है आपने। अरे आपका सूट इतना सोना है क्या? चलो ना यार, रिजल्ट आ रहे, लेट हो जाएंगे। चलो चलो खड़ जा एक मिनट। अरे यार रुक जा, खड़ जा एक मिनट। बहुत फेस पे ग्लो आ रखा है क्या? पार्लर जाके आए हो? अरे पार्लर कहाँ जाती हूँ जी, इतने खर्चे मान नहीं आते। इनकी फीसें इतनी बढ़ चुकी हैं, ये मुझे पार्लर जाने देंगे? चलो बहन जी, फीसों की टेंशन तो सबको है, पर फेस पे तो कुछ आपने जरूर लगाया जो इतनी चमक रहे हो। मुझे भी बता दो कुछ। देखो जी मैंने ना अपना एक फेस वॉश रखा हुआ टिच, बस उसे यूज करती हूँ मैं ना। फेस वॉश खत्म हो गया था तो मैं अपना नया लेके आई हूँ अभी आते हुए। मैं भी अब अपने ग्लो का राज बता दूँ। ये है वाओ स्किन साइज ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश। देखो जी ये ना वाओ का ब्राइटनिंग विटामिन सी फेस वॉश है। इसे लगाने से ना आपकी स्किन जो डल है ना वो एकदम चमक उठेगी, ग्लोई सी बन जाएगी। इस फेस वॉश में ना विटामिन सी, मलबेरी एसेंशियल ऑयल्स, लेमन एंड ऑरेंज है, जो हेल्प करता है फाइन लाइंस, एट स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में, और साथ ही साथ आपको देगा एक यूथफुल सा ग्लो।
इसमें ना हार्श केमिकल्स नहीं है जैसे पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन। अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन ले लो क्योंकि मेरा कोड लगेगा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। बी वाओ नेचुरली। एकदम ग्लो शुरू आ जाना जी फेस पे, आप भी यूज करके देखना। मुझे भी दे दो। नहीं जी आपने कौन से पैसे देने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खुद ही ले लेना। चलो मैं वहीं से मंगवा लूंगी। हाँ फिर ये क्यों ले रहे हो, अपना लो ना। चंगा भैन जी। मम्मी चलो ना चलते हैं, आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। हाँ कसम तू ना पढ़े, इस बार फेल होवेगी पेपरों में। मम्मी अंदर क्लासरूम में तो चलो फिर पता चलेगा टीचर जी जो कहेंगे। आनी तो। हेलो दीदी कैसे हो? हाय बढ़िया। मैं तो एकदम बढ़िया। ये कौन सा अब? ये दीदी है, ये ना मेरे से सीनियर है, मुझे तो सारे के सारे सीनियर जानते हैं। आनी तो देखा फिर, सीनियर सारे जानते हैं, रोब है मेरा। हाँ हाँ तुझे तो पूरी दुनिया जानती है, पढ़ाई का पता है तुझे, सब्जेक्ट पता है, क्लास भी नहीं पता होगा कौन सी है तुझे। मैम पता है। चलो गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हाउ आर यू मैम? हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आपके पास टाइम होगा ना, क्योंकि इसकी तारीफ के लिए 5 मिनट नहीं, मुझे तो 5 घंटे लगेंगे। अरे मैडम जी मैंने तो 24 घंटे भी कम पड़े से मेरी बच्ची की तारीफ के लिए। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि 12:30 मीटिंग खत्म होनी थी, लेकिन आप तो 12:45 आ रहे हो मीटिंग खत्म होने के 15 मिनट बाद। अरे मैडम जी इसने लेट करवा दिया मुझे, कभी बोलती है ये सूट नहीं डाल के जाना, कभी बोलती है वो सूट नहीं डाल के जाना, मैं तो तंग आ गई हूँ ये छोरी से। मम्मी क्यों, तेरी मैडम को भी तो पता चले तेरी करतूतों का। अच्छा इसके पास फोन है? ले ये तो सारा दिन मेरा फोन ना छोड़े, इसके पापा बोल रहे थे रिजल्ट अच्छा ले रहे तो छोरी का आईफोन लेके देना इसको। एक ना काम करिए आप, इसका नया फोन छोड़ो, जो पुराना फोन है ना वो भी छीन लो इससे। तो क्यों मैडम जी ऐसा क्या किया हमारी छोरी ने? इतने कम नंबर लेके आई है आपकी पापा की परी। हाय अच्छा मैडम जी। हाँ जी ये तो बोल रही थी सिलेबस से पेपर ही नहीं आया। जितना सिलेबस में से आया था उतना तो कर लेते बेटा पेपर अपना। जी ये सब कुछ ना उल्टा सीधा लिख कर आई है, मैंने पूछा किन ओरिजिनल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, ये कहती चाइना। यहाँ पे कैमरे लगे वरना मैं भी इसे 5-6 मारती। एक काम करो मेरी तरफ से भी 5-6 मार देना घर जाके इसे। चल घर चल तू चल। बुक्स ले ली आपने? बुक्स नहीं जी अभी तक तो मैंने बुक्स नहीं ली, लेकिन लेनी तो पड़ेंगी जी, एक तो फीस कम थी अब हमें तो बुक्स का भी लोन करवाना पड़ेगा, इतनी महंगी महंगी तो बुक्स हो रखी हैं जी। ऊपर से ना आधी बुक्स तो काम में भी नहीं आती हैं, मैंने तो आधी बुक्स ना पिछले साल रद्दी वाले को दी थी। या थैंक यू सो मच। ओ बेस्ट फ्रेंड्स के पेरेंट्स इकट्ठे बैठे 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 हैव अ सीट। नमस्ते मैडम जी। आ जाओ अब आ जाओ। एक मिनट मैडम जी, तुझे क्या आग लगी थी है, पानी पीने की पीटीएम मैं तुझे पता नहीं है। आंटी जी अंशी नहीं आई? यार बेटा वो कहती तुम खुद ही देखो मम्मा रिजल्ट, मैं क्या करूँगी नंबर तो उतने ही आने हैं। मतलब ना आपके बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, इनके ना नंबर बहुत अच्छे आते हैं स्टडीज में, बट इनकी जुबान इतनी चलती है ना, दे ऑलवेज डू चटर पटर इन दी क्लास, इनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं, पता नहीं ऐसी क्या बातें होती हैं, सुबह शुरू होती है बात करना एंड पीरियड तक बातें ही करती रहती है, मतलब इनको रिसेस में मिलता है, फ्रूट ब्रेक मिलता है, ग्राउंड में जाती है, नहीं इन्होंने हर टाइम इकट्ठे बैठने बातें करना, जब भी मैं सीट चेंज करती हूँ इनकी तो सेकंड पीरियड में फिर इकट्ठे बैठ जाती हैं, मतलब मैं कब तक ध्यान रखती रहूँगी, क्या घर पे भी ऐसे ही करती हैं दोनों। चलो ये तो बच्चे हैं, समझाती हूँ इसे मैं घर जाके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू देयर मार्क्स। तो अर्शी के नंबर आए हैं 82% ऑल ओवर, एक्चुअली मन्नत के 60% आया है, इसकी मैथमेटिक्स तो बहुत वीक है मन्नत की। जी तो कह रही थी मेरा पेपर बहुत गंदा हुआ है और मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लेगी, कोई बात नहीं आने दो उसको, एक नंबर की धोखेबाज है वो। मैंने तो इसकी मैथ्स की ट्यूशन भी लगाई थी फिर भी इतने कम नंबर कैसे बेटा, कैसे हैं कितने नंबर, इतने कम नंबर कैसे आए बेटा? दीदी डांट क्यों रहे हो बच्ची को, ठीक है तो नंबर आए उसके।
मुझे दीदी बोल रही है, अगर मैंने सूट पहना इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दीदी बन गई इसकी। मैं तो इससे ज्यादा छोटी हूँ और इससे ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ नहीं तो जीन टॉप पहन के अपने आप को गोरी मेम समझने लग रही है कुत्ती। हाँ जी, पर आपकी बेटी के तो बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। हाँ मेरी बेटी तो है ही होशियार। चलो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। आपको भी दीदी। चलो मैं चलती हूँ दीदी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्ते मैडम जी, धन्यवाद। चल बेटा तू घर चल, चल जरा बातें करती है ना तू, चल। देख ले संगति का असर देख ले, तू इतनी बार कहेगी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर नहीं पढ़ना तूने है नहीं। ग्रुप स्टडी करती थी ना तू, वो सारा दिन देख ले फोन पे तुझसे बातें करती थी, रात को पढ़ती होगी, तेरे से ज्यादा अच्छे नंबर लगे गई। और तू देख ले, मैंने तेरे बाप को कह दिया ना कि मैं आगे से पीटीएम पे तो मैं नहीं आऊंगी, बेइज्जती कराने थोड़ी आना मैंने पीटीएम पे, तभी तेरा बाप गया था तेरे साथ, मुझे ही भेजता है, मैं नहीं तेरे साथ आगे आऊंगी। चलो मम्मी छोड़ो मोमोज खाने चलते हैं ना। सुना मोमोज, तेरे मोमोज की चटनी बनाती हूँ मैं, तेरे मोमोज की चटनी बनाऊंगी मैं, चल तेरे छितर परेड करूँ, चल घर चल घर। यार मम्मी आप तैयार नहीं है मेरी पीटीएम पे जाने के लिए, चलो लेट हो रहे हैं। ना बेटा मैं तेरे साथ पीटीएम पे नहीं जाती, नाक कटवा कटवा के इतनी छोटी हो चुकी है, अब तो सांस लेने के लिए भी नहीं बची, अब तो छोड़ दे। यार मम्मी साल में एक बार तो पीटीएम आती है मेरी, मैम हर साल ताने देती है कि तेरे घर से कोई नहीं आता, इस बार तो चलो। हाँ बेटा लोगों के ताने तो सुनती ही हूँ, तेरी मैडम के भी सुन लूंगी, क्या ही हो जाना है ना बेटा। मेरी माँ इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, आप जल्दी चलो तो सही, मेरी मैडम ने तारीफों के पुल बांध देने हैं। बस बस है, बस 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 कर, मेरे तो बाप हंसी छूट जानी है कि मेरे बेटे के इतने अच्छे नंबर आ कैसे गए, मैंने तेरी मैडम की उल्टा गलती निकाल देनी है, 20-30% कटवा के ही आऊंगी, रहने दे मेरे को मत लेके जा, चल जा चल जा। 20-30% आए भी तो सही कटवाने के लिए। क्या बोला? कुछ नहीं मम्मी, मेरे इस बार अच्छे मार्क्स आए, आप एक बार चलो, चलो आप चलो। नहीं मैं तेरे पापा को भेज देती, तेरे साथ चले जाएंगे। मम्मी पापा को मत भेजो यार। ना ना बेटा, तेरे पापा को दुकान पे मैंने फोन कर दिया, तेरे पापा ही जाएंगे, तेरे साथ पीटीएम पे मैं नहीं जाती। मेरे पापा उधर ही मैडम के सामने मारते हैं यार, पिछली बार में मेरी पैंट गीली हो गई थी, पापा ने थप्पड़ मारे थे। हाँ फिर मत करो, करो ना ऐसी हरकतें, जा जल्दी शूज पहन जा। हाँ जी मैडम जी, बताओ मेरे लड़के का रिजल्ट। अरे आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, घर ही रिजल्ट भिजवा देती मैं आपका। क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट? अब मम्मी बेटा आपका तो क्यों, मेरे बेटे ने टॉप किया ना, टॉप किया ना। फेल हुआ जी आपका लड़का, वो भी पूरे स्कूल में। सॉरी मैडम सॉरी, पढ़ा नहीं था क्या तू, जो ग्रुप स्टडी करता था उसका क्या, ग्रुप स्टडी की नहीं? मम्मी मैम से ही कोई गलती हुई है सच्ची में। मैडम से ही गलती हुई, वो तो पढ़ी लिखी बैठी है वहां पे, तेरे से तो कोई गलती होती ही नहीं है ना। यो घर जाकर भी पिटेगा, मेरे से भी पिटेगा, कोई काम है नहीं, ले जाओ इसे अपने लड़के को, ले जाओ अपने लौंडे को, जाओ जाओ। आखिरी बात है तेरे साथ, अब नहीं मैं तेरे साथ पीटीएम पे आऊंगी, नहीं बस मम्मी सॉरी। नहीं नहीं चल, पापा को मत भेजना अगली बार, पापा आएंगे अगली बार, मैं नहीं आऊंगी। तेरे पापा दुकान से नाना बेटा, तेरे पापा नाना बेटा तेरे पापा को दुकान पे मैंने फोन कर दिया, तेरे पापा ही जाएंगे तेरे साथ पीटीएम पे।